गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम रोबोट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर बेटा अपने अलग अलग टाइप के रोबोट्स पढ़े थे। कुछ डोमेस्टिक रोबोट्स थे बेटा, कुछ इंडस्ट्रियल रोबोट्स थे, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के रोबोट पढ़े थे। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसे रोबोट्स के नाम पढ़ेंगे जिनकी कुछ ऐसी वेराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उन रोबोट्स की नेम पढ़ेंगे, उनकी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है बेटा क्यूरो। क्यूरो की फुल फॉर्म है क्वेस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, ये नाम है बेटा इसका क्यूरियो। हाइट कितनी है? 61 सेंटीमीटर। इट इज़ फर्स्ट रनिंग ह्यूमनॉइड रोबोट मेड बाय सोनी। इसे किसने डेवलप किया था बेटा? सोनी ने डेवलप किया था। और ये पहला ऐसा रोबोट था जो क्या कर सकता था बेटा? दौड़ सकता था। इट कैन हियर, ये सुन सकता है, स्पीक बोल सकता है, सिंग गाना गा सकता है, रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड फेसेस, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी के फेस को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। वॉक रन एंड डांस एंड होल्ड ऑब्जेक्ट, चल सकता है, दौड़ सकता है, डांस कर सकता है और किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है। इट कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज वॉइस ऑफ समवन इट नोज। अगर इसके अंदर बेटा किसी पर्सन की वॉइस डाली हुई है कि ये पर्सन इस तरीके से बोलता है, तो अगर वो इसकी आवाज़ सुनता है तो वो उस बंदे को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, उस पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा एस्मो। एस्मो नाम है रोबोट का, फुल फॉर्म है एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। हाइट है 1.2 मीटर। इट इज़ मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बाय होंडा। सोनी वाले ने जो ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप किया था बेटा, उसका भी एडवांस्ड वर्जन है। जिसे किसने डेवलप किया था? इसे होंडा ने। ये चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, टर्न कर सकता है, मुड़ सकता है बेटा, रिकॉग्नाइज हैंड जेस्चर्स, अगर आप इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हो या फिर हाथों से बेटा कोई भी मूवमेंट करते हो तो उन जेस्चर्स को ये पहचानता है। ये एक ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकता है, डांस कर सकता है और सीढ़ियों से बेटा चढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेपिरो, पार्टनर टाइप पर्सनल रोबोट। इसकी हाइट है बेटा 38 सेंटीमीटर। इट कैन बी यूज फॉर एंटरटेनमेंट एंड असिस्टेंस इन द हाउस। ये बेटा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, ये आपके घर में आपका एज ए असिस्टेंट काम कर सकता है, ये आपसे बातें कर सकता है। और कितने फ्रेजेस को पहचानता है बेटा? 650 फ्रेजेस पहचानता है एंड 3000 वर्ड्स को पहचानता है। उसके बाद बेटा आइबो। आइबो की फुल फॉर्म बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। इसकी हाइट है बेटा 27 सेंटीमीटर। इट इज़ एन आइकॉनिक सीरीज ऑफ रोबोटिक पेट्स। ये बेटा रोबोट्स भी किस तरीके है बेटा? जो पेट्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो रोबोट्स बोल सकते हैं आप, इस टाइप का ये रोबोट होता है। ईच आइबो बिगिंस लाइफ एज ए न्यू बॉर्न पॉपी, ओवर टाइम इट विल डेवलप इट्स ओन पर्सनैलिटी बेस्ड अपॉन हाउ इट इज़ रेस्ड। ये बेटा डेवलप करने के बाद किस तरीके से होता है? इसके अंदर फीड जो इनपुट किए जाते हैं, जो डाटा फीड किया जाता है, वो जैसे एक छोटे से पपी का होता है, जैसे एक उसके अकॉर्डिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है? अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता चला जाता है, जिस भी तरीके से आप क्या करते हो बेटा, इसको रेस करते हो, ठीक है। इट कैन लुक आफ्टर योर हाउस वेन यू आर अवे बाय डिटेक्टिंग मूवमेंट एंड साउंड्स। ये आपके बेटा अब्सेंस में जब आप घर पे नहीं होते तो आप ये घर की देखभाल करता है, जैसे नॉर्मल डॉग्स करते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से पहचानता है बेटा? घर के अंदर अगर कोई मूवमेंट होती है या फिर इसे कोई साउंड पता चलती है तो ये आपको क्या करता है? सिग्नल्स वगैरह भी सेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या थे बेटा? अलग अलग टाइप के रोबोट्स के बारे में था। कल हम बेटा इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे रोबोट्स की, ओके।